दोस्तों, अब तक किसान आंदोलन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। इस समय भारत ऐसा अकेला देश नहीं है जहां किसान विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हो। यूरोप के कम से कम 11 देशों में किसान अलग अलग सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत कई देश शामिल है। जर्मनी और फ्रांस में किसानों ने आंदोलन किया। वहां की सरकारों ने प्रदर्शन नहीं रोककर और ना ही कोई अड़ियल रवैया अपनाया, ना पुलिस को कोई निर्देश दिए गए। जबकि भारत में क्या हो रहा है यह सबके सामने है। किसान आंदोलन तो दूसरे देशों में भी हुए हैं, लेकिन किसी सरकार ने ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा यहाँ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज के नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। एक सप्ताह के दौरान किसान संगठन व केंद्र सरकार बातचीत के लिए 4 बार आमने सामने बैठे। पहले 3 दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई, परंतु रविवार को हुई बातचीत के केंद्र से मिले प्रस्ताव के बाद आंदोलन खत्म होने की संभावना बड़ी थी। सोमवार को किसानों ने MSP पर रविवार को केंद्र से मिले प्रस्ताव को न केवल खारिज किया बल्कि भविष्य में बातचीत करने की बजाय दिल्ली कूच करने व अपने सभी मांगे नहीं मानने तक आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। जी हां, किसान संगठनों ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव को 5 फसलों को खारिज करते हुए 23 फसलों पर MSP की गारंटी मांगी है। किसानों का कहना है कि सरकार के प्रस्ताव में दम नहीं है, इसलिए हम सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, वे 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। सोमवार की शाम किसानों ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें किसानों ने जानकारी देते हुए बताया, हमने किसान संगठनों के साथ बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया। सरकार के प्रस्ताव में किसानों के लिए कुछ नजर नहीं आया। इसे ध्यान से देखें तो सरकार का कहना है कि अगर MSP की गारंटी देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन संस्था के मुताबिक अगर सरकार सभी फसलों पर MSP देती है तो इसमें 1.75 लाख करोड़ रुपए में काम चल जाएगा। अगर सरकार इतना पैसा लगा रही है तो सरकार को सभी फसलों पर MSP देने में क्या दिक्कत है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार बाहर से 1.75 लाख करोड़ रुपए का वनस्पति तेल मंगाती है, ये बीमारी का कारण बनते जा रहे हैं। अगर यह रुपया देश के किसानों को MSP देने के लिए खर्च करे तो उसे आसानी से काम बन सकता है, यानी सरकार पर अलग से कोई बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने ये कहा कि वे कुछ फसलों पर MSP देंगे, लेकिन उसकी भी कई सीमाएं हैं। इन सभी बातों से यह निकल कर आता है कि इससे किसानों का कोई फायदा नहीं है। किसानों ने अपनी अगली रणनीति के बारे में बात करते हुए मीडिया को बताया कि हम 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी मांगे मान ले, हमें बैरिगेटिंग लगाकर रोका जा रहा है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमें शांति से आंदोलन करने दिया जाए। सरकार ने कहा कि अगर किसान इस प्रस्ताव को मान ले तो पंजाब में खेती धान और गेहूं पर ही केंद्रित नहीं रह जाएगी, इस तरह जमीन के नीचे जल स्तर घटने की समस्या का समाधान होगा। मगर सवाल यह है, क्या किसान आंदोलन इस समस्या के समाधान के लिए चल रहा है? सरकार ने स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुरूप MSP, किसान कर्ज माफी आदि जैसी मांगों पर कुछ नहीं कहा। उल्टे जो प्रस्ताव रखा है उससे संकेत मिलता है कि इसके जरिए वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करना चाहती है, जबकि 2020 के किसान आंदोलन में इसका विरोध भी एक प्रमुख पहलू था। केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो कहा उससे साफ है कि उनकी तरफ से सारा समाधान पंजाब हरियाणा को ध्यान में रखते हुए सुझाया गया है। दोस्तों, खुद MSP की बात करने वाले मोदी जी आज किसानों पर आंसू गैस के गोले छुड़वा रहे हैं, डंडे पड़वा रहे हैं। खुद मोदी जी ने कहा था कि फसलों पर लगने वाली लागत के ऊपर 50% MSP देंगे,
जब खुद मोदी जी ये कहते हैं तो सरकार को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने में क्या दिक्कत है। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है, वो लगातार एमएसपी बढ़ाती रही है। 2014-15 में जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में पहली बार आई थी, तब से अब तक यानी 2023-24 तक कुछ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो चावल पर एमएसपी जो 2013-14 में 1345 रुपए प्रति क्विंटल था, वह बढ़कर 2023-24 में 2203 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। 10 साल के अंतर को देखें तो यह 858 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है, जो करीब 64% होता है। इसी तरह ज्वार और बाजरा की एमएसपी को देखें तो 10 वर्षों में से दोगुना किया जा चुका है। 2013-14 में ज्वार हाइब्रिड की एमएसपी 1500 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 3180 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। बाजरे की एमएसपी को भी 1250 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। रागी का समर्थन मूल्य तो 10 सालों में दोगुना से भी ज्यादा कर दिया गया। 2013 में रागी की एमएसपी 1500 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 23-24 में बढ़ाकर 3846 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। सिर्फ एक साल में इसमें 268 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, साफ है कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार ने कई फसलों की एमएसपी को 10 वर्षों में दोगुना कर दिया है। बावजूद इसके सरकार किसानों को इसकी लिखित गारंटी देने में हिचक रही है, और वो क्यों? क्योंकि अगर एमएसपी का कानून बना दिया गया तो इसे लागू करने में अड़चन आ सकती है, क्योंकि एमएसपी उपजों के औसत गुणवत्ता पर तय होता है, यानी उपज की अच्छी गुणवत्ता पर तय होती है। जिन फसलों की गुणवत्ता ठीक नहीं है उसका क्या होगा, उसकी एमएसपी कैसे तय होगी और उसे किस दर पर खरीदा जाएगा। सरकार को कई कमेटियों ने यह सुझाव दिया है कि गेहूं और धान की खरीद कम करनी चाहिए, और सरकार लगातार इसकी खरीद कम भी कर रही है। अगर भविष्य में सरकार इनकी खरीद कम करेगी तो निजी कंपनियों से बढ़ चढ़कर खरीदेगी और किसानों को एमएसपी से कम कीमत मिलने लगेगी, क्योंकि तब कंपनियां अपने लाभ के लिए काम करेगी। अगर सरकार ने एमएसपी की गारंटी का कानून बना दिया तो प्राइवेट कंपनियों पर इसका दबाव बढ़ जाएगा कि वे उस मूल्य से कम पर किसानों की उपज नहीं खरीद सकती। इससे किसानों के साथ अक्सर कंपनियां उपज की गुणवत्ता को लेकर विवाद खड़ी कर सकती है। फिर मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जिसमें तीन पक्ष आमने सामने होंगे, किसान, निजी कंपनी और सरकार को तब अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही निजी कंपनियों की बेरुखी भी देखने को मिल सकती है। इस सूरत में सरकार को बड़ी परेशानी हो सकती है, और सरकार जी परेशानी क्यों उठाए। साफ शब्दों में कहे तो खेती किसानों से जो निकलता है वो फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाए तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और सरकार कुछ कॉर्पोरेट प्लेयर्स को पहुंचाना चाहती है फायदे, तो ऐसे कैसे दे देगी किसानों को गारंटी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।